नमस्कार दोस्तों, आज की ये वीडियो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 4588 पदों की तैयारी करने वाले आप सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही खास रहने वाली है। दोस्तों, किसी भी भर्ती को पास करने के लिए औसत अंक लाना बहुत ही ज़रूरी है, यानी कि पुलिस भर्ती को पास करने के लिए एक हमें टारगेट बनाना है, इतने नंबर तो हमको लाने ही है, तभी हमारा प्रथम बार में ही सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाएगा। यानी कि कट ऑफ से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों, किसी भी ज़िले से आपने फॉर्म भर रखा हो, और ये तो है ही कि आपने एक से ज़्यादा फॉर्म भरे हैं, लेकिन दोस्तों कांस्टेबल, ड्राइवर, संचार और बैंड से संबंधित विभिन्न पदों पर ये वैकेंसी निकाली गई है, तो और मात्र 4588 पद हैं। और दोस्तों, आप सभी को पता है कि फॉर्म तो 17-18 लाख भरते ही हैं। अब हमको किस प्रकार से करना है कि हमारा प्रथम बार में ही सिलेक्शन हो जाए। दोस्तों, इस चैनल पर आपको राजस्थान कांस्टेबल भर्ती से संबंधित हर पल की अपडेट मिलती रहेगी, वो भी प्रूफ के साथ। इसलिए अभी तक भी चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि एंड तक जब तक आपका रिजल्ट आएगा आपको पल पल की अपडेट इस चैनल पर मिलती रहेगी। दोस्तों देखिए, सबसे पहले सिलेबस पर डिपेंड करता है कि सिलेबस अब की बार क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछली बार की तुलना में अब की बार जो सिलेबस है उसमें थोड़ा बहुत चेंजिंग किया गया है। दोस्तों, यहाँ पर मैं नॉर्मल आपको बता दूं कि लिखित परीक्षा 150 जो कांस्टेबल सामान्य पुलिस और दूरसंचार के लिए 150 प्रश्न है, 150 चालक के लिए हैं, और बैंड वालों के लिए दोस्तों ये लागू नहीं है। शारीरिक दक्षता परीक्षा की बात करें तो दोस्तों कांस्टेबल सामान्य और पुलिस दूरसंचार के लिए 30 नंबर की शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, और कांस्टेबल चालक वालों के लिए यानी कि ड्राइवरों के लिए 20 नंबर की होगी, और बैंड वालों की 20 नंबर की होगी। दक्षता परीक्षा की अगर दोस्तों हम बात करें यहाँ पर, तो ये लागू नहीं है कांस्टेबल में, और ड्राइवरों के लिए ये लागू है, 30 नंबर की है, और बैंड वालों के लिए भी 30 नंबर की है। तो दोस्तों यहाँ पर, और ये होमगार्ड से संबंधित है, जिस किसी के पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है उनके लिए दोस्तों अलग से 20 नंबर यहाँ पर दिए जाएंगे, चालकों के लिए और बैंड वालों के लिए इसमें नहीं दिए जाएंगे। यानी कि जो दोस्तों जो पूरा खेल है वो 200 नंबर का है, ठीक है, 200 नंबर का है, और 200 नंबर में ही हमारी कट ऑफ बनेगी। और आपको बता दें कि अब की बार दोस्तों पहले 150 प्रश्न थे और समय 2 घंटे था, तथा 1 प्रश्न आधे नंबर का था, लेकिन अब की बार इसमें चेंजिंग किया गया है। और दोस्तों ये जो 150 प्रश्न है और 150 ही नंबर के आपके जो मार्क्स हैं वो होने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि 1 प्रश्न 1 नंबर का है और जो सिलेबस है वो वही है, लेकिन अब की बार चेंजिंग ये किया है कि पिछली बार आधे नंबर का प्रश्न था, लेकिन अब की बार 1 नंबर का प्रश्न कर दिया गया है, और नेगेटिव मार्किंग 1/4 यहाँ पर रखी गई है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 25% अंक आपका, गलत उत्तर देने पर 25% अंक आपका काटा जाएगा। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि हमको टारगेट कितना लेकर चलना है। तो दोस्तों देखिए, आपने चाहे फॉर्म किस भी जिले से भरा हो, लेकिन आपको जो टारगेट है 120 यानी कि 120 का टारगेट आपको लेकर ही चलना है। किसी भी प्रकार से कुछ भी करो, चाहे कुछ भी हो जाए, दिन रात एक कर दो, लेकिन दोस्तों 115 से और 120 तक तो आपको प्रश्न करके आने ही हैं, तभी आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो पाएगा। ये आप क्लियर कर लीजिए। एक और बात दोस्तों, बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनको ये भी नंबर कम लग रहे होंगे, लेकिन दोस्तों ये टारगेट है, ये टारगेट हमें लेकर चलना है, तभी हम राजस्थान पुलिस के कांस्टेबल भर्ती को फाइट कर पाएंगे प्रथम बार में ही। एक और दोस्तों आपको बात बता दें, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए दोस्तों हमको नेगेटिव प्रश्न नहीं करने हैं, सबसे पहले जो प्रश्न है वो ही करने हैं, उसके बाद में हमको और जो जिनमें कंफ्यूजन है, जिनमें थोड़ा बहुत संशय है वो करने हैं, सबसे पहले जो प्रश्न हम पर आते हैं वो ही करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपको टारगेट है वो दोबारा सुन लीजिए, 115 से और 120 का लेकर चलना है, इतना तो हमको दोस्तों टारगेट लेकर ही चलना है, अगर आप वास्तव में ही तैयारी कर रहे हो तो। दोस्तों कांस्टेबल भर्ती से संबंधित हर पल की अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी, इसलिए अभी तक भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लें, ताकि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती से संबंधित हर पल की अपडेट आपसे छूटे नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।